2020 का हर कोई स्वागत कर रहा है, और नया साल जब भी आता है तब नए साल को लोग अपने सौभाग्य से, अच्छे कामों से, सफलता से, बहुत ढेर सारी चीज़ों से जोड़ते हैं। और आमतौर पर पूरी दुनिया में नए साल का स्वागत हर्षोल्लास के साथ होता है। लोग पार्टियां करते हैं, लोग आतिशबाजी करते हैं और डांस वगैरह करते हैं, पार्टियों का दौर चलता रहता है। लेकिन बहुत ढेर सारे ऐसे रिवाज भी हैं जो तमाम देशों में होते हैं नए साल का स्वागत करने के लिए, जिनको सुनकर के आप हैरान भी होंगे और चकित भी होंगे। और उसी में पहला नाम मैं लेता हूँ इक्वाडोर का। इक्वाडोर में जब भी नया साल आने को होता है तो आधी रात को वहाँ पर एक पुतला जलाया जाता है। कागज़ का ये पुतला आमतौर पर हमारा जो पिछला साल बीता है उसमें हमारे साथ जितनी भी खराब चीज़ें हुई हैं, बीमारियां हुई हैं, असफलता हुई हैं, दुर्भाग्य हमारे साथ रहा है, उन सब का ये प्रतीक होता है पुतला। उसको जलाया जाता है और ये मानते हैं कि इस पुतले को जलाए जाने के बाद आने वाला नया साल एकदम बढ़िया होगा और हमारी वो खराब चीज़ें जो पिछले साल हमारा पीछा करती रही हैं या हमें कहीं ना कहीं से परेशान करती रही हैं वो इस साल नहीं आएंगी। दूसरे नंबर पर मैं आता हूँ स्पेन। स्पेन में आमतौर पर जैसे ही मध्य रात्रि होने वाली होती है और मध्य रात्रि में जैसे ही 12 बजे का घंटा बजता है, वैसे ही तमाम लोग तुरंत अपने मुंह में 12 अंगूर के फांके जो है डालने की कोशिश करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जल्दी 12 अंगूर के फांकों के एक साथ मुंह में डालता है वो ये माना जाता है कि इसके लिए साल बहुत अच्छा होगा। और ये भी स्पेन में कहा जाता है कि जब तक आप अपने मुंह में अंगूर के 12 फांके नहीं डालते हैं तब तक आप किसी दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल सकते। डेनमार्क में तो और भी हैरान करने वाला रिवाज है। वहाँ पर जैसे ही आप मध्य रात्रि के बाद सड़क शहर में निकलेंगे वैसे ही आपको ज़्यादातर घरों के बाहर टूटी हुई क्राकरीज दिखाई पड़ेंगी। इसमें प्लेटें होती हैं। आमतौर पर डेनमार्क के लोग पूरे साल भर कुछ क्राकरीज या प्लेट्स बचा कर रखते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जैसे ही मध्य रात्रि होती है वो अपने दरवाजे के बाहर इन क्राकरीज को ला करके फोड़ देते हैं और उससे ये मानते हैं कि उनका आने वाला साल बेहतर होगा। फिलीपींस में नए साल का एक ही मतलब होता है कि नए साल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हमारी बढ़े। और चूँकि संपत्ति को वो सिक्कों के जरिए देखते हैं, यानी सिक्के का मतलब गोल, तो उस साल 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को या पूरे 31 दिसंबर को वो गोल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गोल चीज़ें खाते हैं। अगर वो कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े में गोल गोल आकार वाली चीज़ें होंगी, और जो भी उस दिन वो इस्तेमाल करेंगे उसमें ज़्यादातर गोलाई लिए हुई चीज़ें होंगी। उससे उनको ये लगता है कि अगर वो गोलाई लिए हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी वेल्थ आने वाले साल में बढ़ेगी। पेरू में तो और भी गजब होता है। पेरू में नए साल का स्वागत यानी कि 31 दिसंबर की मध्य रात एक फेस्टिवल होता है और इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे की पिटाई करते हैं, और इस पिटाई में जो सबसे ज़्यादा दूसरे की पिटाई करता है वो माना जाता है कि वो साल अगले साल वो चैंपियन के तौर पे उभरेगा, यानी कि सारी की सारी बेहतर चीज़ें उसी के साथ होंगी। हालांकि ये पिटाई फ्रेंडली पिटाई होती है लेकिन अक्सर इस पिटाई में हिंसा बढ़ जाती है और इसीलिए वहाँ पर पुलिस तैनात रहती है कि हिंसा न बढ़े और ये पिटाई फ्रेंडली पिटाई तक ही सीमित रहे। जापान में नए साल का स्वागत 108 घंटों से होता है। 31 दिसंबर में जैसे ही नया 12 बजने वाला होता है, 12 बजने से पहले जापान के तमाम बौद्ध मंदिरों में 107 घंटे बजाए जाते हैं। 107 घंटों का मतलब कि ह्यूमन के जितने सिंस होते हैं यानी कि हमारे जितने गुनाह होते हैं, बौद्ध मानता है कि ये 107 तरीके के होते हैं। तो 107 जो घंटे होते हैं वो तो इन हमारे सारे गुनाहों को साफ कर देता है कि अगले साल जब हम अगले साल में प्रवेश करें तो हम बिल्कुल क्लीन रहें, ये गुनाह हमारे साथ में रहें। और 108वां घंटा ठीक 12 बजे बजता है यानी कि नए साल का स्वागत करता है। लातिनी देश में बहुत अजीबोगरीब तरीके से नए साल का स्वागत होता है और वहाँ पर लोग, चाहे ब्राज़ील की बात करिए, चाहे बोलिविया की बात करिए, चाहे कोलंबिया की बात करिए या पेरू की बात करिए, वहाँ पर लोग अंडरवियर अलग अलग कलर्स की पहनते हैं और अलग अलग कलर्स की अंडरवियर पहन कर ही वो नए साल का स्वागत करते हैं। और उसमें ये माना जाता है कि अगर किसी ने लाल रंग की अंडरवियर पहनी है तो वो उसका जो नया साल होगा वो प्यार के मामले में बहुत बेहतर होगा। आमतौर पर जो दौलत वाले लोग होते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं या सोने चांदी से जिनको प्यार होता है, वो पीले रंग की अंडरवियर पहनते हैं कि आने वाला नया साल उनके लिए हर तरह से बेहतर हो, ज़्यादा सोने चांदी का संग्रह वो कर सके, ज़्यादा संपत्ति उनके पास आए। और वाइट अंडरवियर पहनने का मतलब ये होता है कि पूरा साल उनका शांति से बीते, झगड़े उगड़े में वो न पड़े। और
ब्राज़ील में ये भी होता है कि जब नया साल होने वाला होता है तो ब्राज़ील की राजधानी रियो द जेनेरो में जो समुद्र बीच है वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं और वो सफ़ेद पोशाक पहने होते हैं और वो समुद्र की तरफ फूल उछालते हैं और फूल अगर उनका लहरों के साथ बहता हुआ दूर चला जाता है तो ये माना जाता है कि उनका लक अगले साल बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो फूल वापस आ जाता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि हो सकता है कि आने वाले साल में उनका लक अच्छा ना हो। इसीलिए ज़्यादातर ब्राज़ीली अब समुद्र में फूल उछालने के बाद उसको देखते नहीं हैं बल्कि उछालने के बाद वो दूसरे कामों में लग जाते हैं और पार्टी में इंजॉय करने लगते हैं। साउथ अफ्रीका में तो और भी गजब की चीज़ होती है। साउथ अफ्रीका के कई शहरों में नया साल आते ही मध्य रात्रि में लोग अपनी बालकनी और खिड़कियों से पुराने फर्नीचर पुराने सामान गिराना बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन और ये काम इटली में भी कई जगह होता है लेकिन इससे पिछले दिनों काफ़ी लोगों को चोट लगने की खबर आई तो पुलिस ने इस पर रोक लगाई। अब लोग अपनी बालकनी और खिड़कियों से मध्य रात पर सामान तो फेंकते हैं लेकिन ये सामान छोटे छोटे होते हैं और ऐसे सामान होते हैं जिससे किसी को चोट नहीं आए। फिनलैंड में लोग पहले से पिघला हुआ मेटल तैयार रखते हैं और जैसे ही मध्य रात्रि करीब आने वाली होती है या नए साल का घंटा बजता है 12:01 होता है या 12 बजता है लोग अपने पास पिघले हुए मेटल के साथ ठंडा पानी रखते हैं और पिघले हुए मेटल को जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो ये देखते हैं कि उसमें कौन सी आकृति बन रही है। अगर उसमें रिंग की आकृति बनती है या हार्ट की आकृति बनती है तो इसका मतलब होता है कि उनकी शादी होने वाली है या उनकी शादी बहुत अच्छी होगी। अगर उसमें नाव या शिप जैसा कोई शेप बनता है तो उसका मतलब है अगले साल वो बहुत यात्राएँ करेंगे और ये यात्राएँ उनकी अच्छी रहेंगी। अगर उसमें सुअर जैसी कोई आकृति बनती है इसका मतलब कि उनको नए साल में बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। तो इस तरह के बहुत ढेर सारे रीति रिवाज हैं जो अजीबोगरीब भी हैं लेकिन दुनिया के तमाम देशों में मनाया जाता है और नए साल का स्वागत लोग जोर शोर से करते हैं। अब चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ऐसा हमेशा नहीं था कि नया साल 365 दिन का ही होता था या 12 महीने ही इसमें होते थे। पहले आमतौर पर कुछ ऐसे कैलेंडर भी हुए जिसमें जो पूरा साल होता था वो 310 दिन का होता था और इसमें 10 महीने हुआ करते थे। 45 ईसा पूर्व रोमन राजा जूलियस सीजर ने 12 महीने का कैलेंडर अपने यहाँ लागू किया और इसमें 365 दिन होते थे और हर चौथा साल लीप ईयर होता था ताकि चौथे साल में जाकर के एक दिन जो कुछ घंटे उसके ज़्यादा हो रहे होते थे वो एडजस्ट हो पाए। तो इस तरह और क्या क्या होता है नए साल में, नए साल से और क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने पेश होंगे। hindinews18.com के डिजिटल प्राइम टाइम पर रात ठीक 9 बजे आप इस स्टोरी को देखिए। ये स्टोरी आपके सामने होगी, आपकी राय का इंतजार रहेगा।